हेलो गाइस, तो इस सीज़न बनाते हैं हम रोस्टेड स्पाइसी सार पाइनएप्पल। ये ग्रिल पाइनएप्पल की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके छिलके मैं अलग से निकाल दूँगी। इसके छिलके की भी रेसिपी बनती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, मेरी अगली वीडियो में देखिएगा। अब मैंने पाइनएप्पल्स को अच्छे से काट लिए है। इनको आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से काट सकते हैं। मैं इस डिज़ाइन का काट रही हूँ, ये देखिए, या फिर आप इसको ऐसे लंबे लंबे भी रख सकते हैं, पर मैं इसको छोटा काटना पसंद करती हूँ। अब मैं इसमें डंठल भी रख रही हूँ। डंठल जो इसका बीच का हिस्सा होता है, हार्ड हार्ड, वो भी रख रही हूँ। पर अगर आप नहीं चाहते ये हार्ड बीच बीच में आए तो आप इसको अलग से निकाल दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे काट के, या फिर आप पहले से ही इसको काट के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मोटे हिस्से को आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने अपने सारे पाइनएप्पल्स को काट लिया है, ये देखिए। अब ये पाइनएप्पल को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें बहुत सारे स्पाइसेस जाने वाले हैं, उसके लिए मैंने इनको एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें जाने वाले स्पाइसेस, चलो देखते हैं क्या क्या जाने वाला है। सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें काला नमक, थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे नमक जाने वाले हैं। काली मिर्ची डाल दी है, ये सब टीस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये भी डाल दीजिए, घर का भुना हुआ ज़ीरा है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब इसमें जाएगा ये चाट मसाला, ये चाट मसाला मैं 2 टीस्पून डालने वाली हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, आप जितना चटपटा खाते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिए, और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाने वाला है टोमेटो केचप, इसको भी मैं 2 टीस्पून डालने वाली हूँ, अपने हिसाब से आप जितना आपको खट्टा चाहिए आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसको डालना ज़रूरी है, बहुत ही यमी टेस्ट आएगा। ठीक है, अब जितने भी मसाले हैं इसको अच्छे से मैं मिला दूँगी। उससे पहले मैं डाल देती हूँ शक्कर, ये भी 1/2 टीस्पून करीब डाला है मैंने। अब इसको आप अच्छे से मिला दीजिए, सब इंग्रेडिएंट डालना ज़रूरी है, इसी से बहुत अच्छा स्वाद आने वाला है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद जाने वाला है इसमें स्वाद के अनुसार नींबू का रस, तो मैंने ये छोटा नींबू ले लिया है क्योंकि पाइनएप्पल हमारे कम हैं, तो अब इसको भी अच्छे से हम इसमें निचोड़ के डाल देंगे। ठीक है, अब नींबू डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ऐसे मसाले मिलाइए अपने पाइनएप्पल पे और इसको तुरंत ही हम ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अच्छे से मिला दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, जब हम इसको और रोस्ट करेंगे, भूंजेंगे, तब तो और ज़्यादा इसमें स्वाद आएगा और टेस्टी कलर आने वाला है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। चलो अब गैस ऑन कर लिया है मैंने, इसमें डाल दूंगी पैन, उसमें जाने वाला है बटर। जी हाँ, बटर ही डालेंगे। आप ऑयल डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बिना ऑयल के भी पका सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टिक है, पर मैंने इसमें बटर डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको जो हमारा पैन है इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने वाले हैं, क्योंकि अब जब पाइनएप्पल पकेगा ना तो ये बिल्कुल 1-2 मिनट में ही पक के निकल आता है। ठीक है, तो सारे पाइनएप्पल्स को आप एक एक करके डालिए और इसको अलग अलग रखिएगा ताकि हमारे पाइनएप्पल चिपके ना, और हर जगह से हम जहाँ से पकाना चाहते हैं वहाँ तक पक जाएं। अब पाइनएप्पल्स को आप ऐसे हिला के रोस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल आप उसको पलट के अच्छे से रोस्ट कर दीजिए। अब जो ये पाइनएप्पल है ना, आप बारिश हो रही हो जब कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करे तब खा सकते हैं, इसमें मिठास भी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी ना, मैंने सोचा कैसा लगता होगा ये खाने में, पर जब पकाया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट निकल के आया है इसका। जो ये हमारे ग्रिल पाइनएप्पल की रेसिपी है, जो ये बारबेक्यू नेशन होता है ना, उस जैसे टेस्ट का है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसको गर्म ही खाइएगा, ठंडा मत खाइएगा, तब उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये गर्म गर्म रहता है ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बिल्कुल कैरमलाइज्ड और मीठा खट्टा, बहुत टेस्टी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।